तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने ईमेल आईडी को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ईमेल आईडी को मैंने ओपन कर लिया और जो भी आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है, आप अपने प्रोफाइल पे पिक करके यहां से अपने जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो भी सिलेक्ट होगा वो जीमेल आईडी यहां पे आ जाएगा। तो मुझे यही जीमेल आईडी करना है, तो देखिए मैंने यहां से कट किया और फिर से आप करने गए तो यहां पे गूगल अकाउंट का ऑप्शन है। इस गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे इसे होम का ऑप्शन है, सेकंड में पर्सनल इन्फो का, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा एंड प्राइवेसी का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आपको अपने प्रोफाइल का डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं, हु कैन सी इट, कौन देख रहा है आपके प्रोफाइल को, लोकेशन शेयरिंग, और हु कैन सी इट योर डाटा, आपके डाटा को कौन देख रहा है, जीमेल, यूट्यूब, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर्विस ऐप एंड सर्विस जो है आपका, ये जीमेल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जीमेल और यूट्यूब में हो रहा है। और इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड योर डाटा। यदि आप अपने डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं डिलीट करने से पहले, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में यहाँ एक ऑप्शन है डिलीट अ गूगल सर्विस, मतलब अगर आप कहीं आपका जो सर्विस यूट्यूब पे, जैसे अगर आप वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मैं तो परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ। तो नीचे की तरफ ऑप्शन, यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो आपको इस डिलीट योर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर दिया और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका जो नंबर है उस नंबर पे आपका वेरिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड, तो आपको इस नंबर से अटैच है उस नंबर पे एक मैसेज जाएगा। तो मैसेज जाने के लिए आपके पास अगर नंबर है तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे मोर वेज टू वेरीफाई और दूसरे तरीके से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मैं इसे यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद जैसे ही मेरे मोबाइल नंबर पे अभी एक OTP आ जाएगा, तो देखिए आ गया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड डालने के बाद आपको OTP डाल दिया, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से फ्रेंड्स आ रहा है कि डाउनलोड योर डाटा। अगर आप डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रीड द केयरफुल्ली, मतलब ध्यान से पढ़ लीजिए कृपया, इट्स नॉट द यूजुअल, यदा मतलब जो भी हो इसका यदा बोल रहा है आपको, ये फिर से मतलब रिकवर नहीं होगा। यू आर ट्राइंग टू डिलीट योर गूगल अकाउंट विच प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस गूगल सर्विस, यू विल नो लॉन्गर एबल टू यूज एनी ऑफ दोज सर्विस। तो यहाँ पे जो भी आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे दिखा देगा। यू आल्सो कुड लॉस एक्सेस टू सर्विस आउटसाइड ऑफ गूगल वेयर यू यूज, जो भी इस साइट से मतलब इस ईमेल आईडी से जो भी है वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन तो मुझे तो डिलीट करना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और नीचे की तरफ थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रांड अकाउंट भी है, तो यहाँ पे मैसेज भी आ गया सिक्योरिटी अलर्ट का, देखिए कि मेरा जो जीमेल है डिलीट हो रहा है, तो मुझे डिलीट करना ही है। तो नीचे की तरफ जाएंगे और जो बॉक्स दिख रहा है इस दोनों को आपको यहाँ से चेक मार्क कर देना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे डिलीट करना है, तो चलिए मैं यहाँ से डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ देखिए डिलीट हो चुका है। अब ये दिखा रहा है अकाउंट डिलीटेड, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अकाउंट डिलीटेड। इस तरह से मेरा अकाउंट, योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड। इफ यू एक्सीडेंटली डिलीटेड योर गूगल अकाउंट, यू हैव ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू रिकवर योर अकाउंट। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिकवर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे रिकवर कर सकते हैं अभी भी ऑप्शन इसमें, मतलब कम समय में, शॉर्ट अमाउंट अब टाइम, मतलब छोटे से समय में आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे रिकवर नहीं करना है, मैंने आपको बिल्कुल तरीके शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी से बताया, और आपको हर चीज़ समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।